मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद में हम लोग अगले विधानसभा के चुनाव के लिए तैयारी में लगे हुए हैं और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं जाहिर हो रही है या पहले की जो योजनाएं हैं उनका हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे इसके लिए प्रशासन के साथ और जनता में एक जनता को जनमानस में सब बातों की जानकारी देने का काम हमारे माध्यम से चालू है। गांव गांव में हमारे कार्यकर्ता घूमकर सारी सरकारी योजनाएं और साथ ही साथ अभी नया कार्यक्रम चालू हुआ है, अगली 25 जुलाई तक नए मतदारों की नोंदनी, उस काम को हमने गति देने का प्रयत्न किया है। मैं 2 बार विधान परिषद में और 3 बार विधानसभा का सदस्य रहा। पिछले चुनाव को मेरा पराभव हुआ और पराभव की चिंता न करते हुए जन सामान्य के विषयों को लेकर हमने पिछले 5 सालों में कई मोर्चे और कई आंदोलन और कई डेलीगेशन जिला प्रशासन के पास और सरकार के पास में लेकर गए हैं और अनेक विषयों को न्याय दिलाने का प्रयत्न हुआ है। अनेक विकास कामों को भी शुरू कराने का एक सफल प्रयत्न मेरे इन 5 साल के आमदार न रहते हुए कार्यकाल में मैंने किया है। यह सर्वविदित है कि आप पूर्व आमदार रह चुके हो पक्ष के और भारतीय जनता पार्टी में आपकी अच्छी पैठ है और जो कुछ भी शासन की जो लोकलुभावनी जो योजना चल रही है, जनकल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है, उसका फायदा आम नागरिकों तक, महिलाओं तक, किसानों तक और बेरोजगारों तक, युवकों तक पहुँचे, उसको अमली जमा पहनाने के लिए आपके क्या प्रयत्न चल रहे हैं, उस बारे में बताएं। अभी सरकार की पीक बीमा योजना है किसानों के लिए, हमारे कामगारों के लिए भी बहुत सी योजनाएं हैं, इनका रजिस्ट्रेशन करा के कामगार महामंडल के माध्यम से अनेक योजनाओं का जो चल रही है उसका उनको जानकारी दे के उनका रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। उसी प्रकार आदिवासियों में भी सरकार की जो व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं उनकी जानकारी दे के उनके भी फॉर्म वाटअप करने का काम चालू है। अभी हाल ही में हमारी सरकार ने माझी लाड़की बहन योजना शुरू किया है और मुझे खुशी है कि सरकार ने वो सारे नियम शिथिल करके सेल्फ डिक्लेरेशन पर ही सारी योजनाओं को देने का अभी निर्णय लिया है और उन सबकी जानकारी हम हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव 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 में और घर घर तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ विकास कामों की भी एक लंबी श्रृंखला, जब से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का पतन हुआ उसके बाद में जो बीजेपी शिवसेना की सरकार है उनके माध्यम से गोंदिया शहर और गोंदिया ग्रामीण में बहुत बड़ी रकम विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाकर वो सारे काम जिनको लोकल MNH का उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है वो सारे लोगों को न्याय देने की कोशिश मेरे माध्यम से हुई है। इसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि सिंचन के मामले में जो हमारा गोंदिया के विधानसभा क्षेत्र में जो बहुत आगे था, तो सिंचन का क्षेत्र है, आरोग्य का क्षेत्र है, हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, ये तीनों क्षेत्र में कोई भी प्रगति इन 5 सालों में स्थानीय लोक प्रतिनिधि की मतलब डिक्लेक्शन के कारण इन पर कोई काम नहीं हुआ और तो और बहुत से नए कॉलेज नए कोर्सेज हम लाना चाहते थे उसके बारे में कोई प्रगति नहीं हुई। हमारा नर्सिंग कॉलेज का निर्माण होना था वो नहीं हुआ, हमारा पॉलिटेक्निक का कोर्सेज बढ़ाना था वो नहीं हुआ, ITI का और भी नए कोर्सेज लाना था, इस बारे में जो मेरे प्रयत्न चालू थे वो मेरे पराभव के बाद में सारे रुक गए। हम गोंदिया में एग्रीकल्चर कॉलेज भी चालू कराना चाहते थे जो अंतिम टप्पे पर था लेकिन आज उसका भी कहीं पता नहीं।
हमारे यहाँ एक निजी संस्था के माध्यम से पिछले 25-30 सालों से इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा था, लेकिन चल रही घाटे की व्यवस्था को देखकर निजी संस्था ने तो बंद कर दिया। लेकिन आज गोंदिया के अंदर, गोंदिया जिले में यहाँ के बच्चों को भंडारा नागपुर जाकर पढ़ना पड़ता है, और ऐसी अवस्था में सरकार ने गोंदिया में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहिए, इस प्रकार की एक लड़ाई मेरे माध्यम से चल रही है। हमने हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से इस बारे में बात भी किया है, और इस प्रकार के सारे शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ किसान समृद्ध हो, किसानों को पानी मिले, और जितनी योजनाएं या तो मैंने मंजूर कराया या प्रगति पथ पर थी, वो सारी योजनाएं पर इन पिछले 5 सालों में कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई नया खर्चा नहीं हुआ और कोई नई योजना यहाँ पर लाई नहीं गई। उसी प्रकार आरोग्य के क्षेत्र में भी, चाहे वो पशु वैद्य की दवाखाने हो, चाहे हमारी PSC हो, चाहे हमारा सब सेंटर्स हो, इस सारी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए कहीं कोई मांग होती भी दिखी नहीं, और इस सारे क्षेत्र में हमारी पीछे हट हुई है, और इस सारे क्षेत्र में काम होना चाहिए। इसके लिए हमारा ये एजेंडा है कि आने वाले समय में जब भी मौका मिलेगा तो ये सारे कामों को हम चालना देंगे। गोपाल दास अग्रवाल जी, एक तरफ ये भी देखा जा रहा कि विरोधी पक्ष सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहा है, महायुति सरकार पे आरोप लगा रहा है कि ये जो योजना है जो शुरू की गई है महिलाओं के लिए, मुख्यमंत्री लाडली योजना, ये योजना सिर्फ एक लॉलीपॉप है और आगे चल के ये बंद करेंगे, ऐसा संभ्रम फैलाया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, तो आप उस पर क्या कहोगे? नहीं, ऐसा कोई भी पॉपुलर योजना, कोई भी लोकप्रिय योजना, क्योंकि माझी लाड़की बहन योजना जो है, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव के मद्देनजर ये योजना लाई गई है, ऐसा विरोधी पक्ष आरोप लगा सकता है। लेकिन एक प्रगतिशील शासन लोगों की भलाई के लिए हर बार नित नए योजनाओं का प्रारंभ करता है, और हमारे इस साल का बजट जो है 24-25 का, वो बजट अभी पेश हुआ है पहली बार, और इस बजट में नई योजना देना है स्वाभाविक प्रक्रिया है, और कोई भी सरकार, आने वाली सरकार, जाने वाली सरकार, कोई भी सरकार जो अच्छी योजना लाती है उसको कोई माई का लाल कोई भी सरकार बंद नहीं कर सकती, चाहे आज की सरकार आए चाहे दूसरी सरकार आए, उसको इस योजना को बंद करने का किसी में साहस नहीं है, और ऐसी जितनी भी पॉपुलर योजना चल रही है उनको आज तक कोई सरकार ने कभी बंद नहीं किया। अमूमन ये भी देखा गया है कि आपके विधायकी काल में जो विकास कार्य जो हुए हैं, ऐसा यहाँ के विधानसभा मतदार संघ के लोग ये कह रहे कि विकास कहीं तो भी थम गया है, जो विकास अधूरा रहा है तो उसको पूरा करने के लिए एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में लोग, यहाँ के लोग आपको देख रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, लोगों की जनभावना मुझ तक भी पहुँची, और निश्चित रूप से आने वाला विधानसभा का चुनाव मेरा पक्ष मुझे उम्मीदवार बनाए, और लोगों की मांग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए किसी भी पक्ष ने, और लोगों की मांग को ध्यान में रखकर मैं अगला चुनाव जरूर लड़ने वाला हूँ। प्रबल उम्मीदवार के रूप में आपको देख रही है यहाँ की जनता, तो आप ये बताइए आगे आपको उम्मीदवारी मिले पक्ष की तरफ से तो आपका क्या एक विजन रहेगा, क्या रोडमैप रहने वाला, उस बारे में बताइए। नहीं, मैं सिंचन, आरोग्य और सिंचन के क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में 12 माइल सिंचन मिलना चाहिए, उसके लिए डांगोरली का 400 करोड़ का बंधारा, अनेक गांवों में जो लिफ्ट की योजना उनको पूर्ण करने का थे, हमारी जो कैनाल्स बनी हुई है बाबा आदम के ज़माने की, उनका सीमेंटीकरण करने का काम, हमारे यहाँ पर पिंके पार्क प्रकल्प, मोरवाई उपसा सिंचन योजना जैसे नए प्रकल्प जिनकी हमने मंजूरी ली थी, उनको चालना देने का काम अगले कार्यकाल में करना चाहते हैं, जिसके कारण ये पूरे गोंदिया विधानसभा के लोगों का आर्थिक विकास बेतहाशा होगा, और एक नई संपत्ति की लाट हमारी विधानसभा में आएगी, और वो सपना मैं देखता हूँ कि निश्चित रूप से वो होना चाहिए, और वो हम करके दिखाएंगे। अब जबकि मतदान नोंदनी अभियान जोरों पे शुरू है और योजनाओं को भी काफ़ी प्रतिसाद मिल रहा है जनता की ओर से, तो यहाँ के जो नागरिक हैं आपके गोंदिया विधानसभा मतदार संघ के, आपका क्या उनके लिए एक मैसेज होगा? नहीं, सबने
सरकार की इस अच्छी योजना का लाभ लेना चाहिए सबने, और हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं। बाजी लाड़की बहन योजना 31 अगस्त तक सबने जो फॉर्म भरेंगे उनको 1 सितंबर के पहले हफ्ते में सबको पैसा मिलने वाला है 1 जुलाई से। सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि 31 अगस्त के बाद भी जो लोग फॉर्म भरेंगे उनको भी 1 जुलाई से मिलेगा, लेकिन पैसा थोड़ा लेट आएगा, लेकिन पैसा 1 जुलाई से मिलने वाला है। और इसलिए किसी को ऐसा हड़बड़ी करने की गरज नहीं, सब लोग शांति से इसमें पूरी तरह भाग लेकर, और हमने अपने कार्यकर्ताओं को भी आह्वान किया है कि आप घर घर जाकर, मैंने पूरे गांव का दौरा किया है, लगभग मेरे मतदार संघ का लगभग 70% गाँव का मैंने दौरा किया है, और अगले हफ्ते फिर और करने वाला हूँ बचे हुए गाँव का। मैंने सब गाँव में हमारे तरफ से इसके प्रोफार्मा बांटे हैं, हमने हमारे मतदान नोंदनी में भी जिन लोगों के नाम 2019 में जिन्होंने मतदान किया और फोटो के अभाव में जो लोग 21,000 वोट हमारे यहाँ से कट गए, वो सारे लोगों के पास भी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं कि उनकी फ़ोटो लेकर उनके नाम शामिल कराएं। और साथ ही साथ 1 जुलाई 2024 को जो लोग 18 साल के हो रहे हैं उस सारे लोगों के नाम आना चाहिए। इसके लिए डोर टू डोर हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ वॉरियर्स, हमने बहुत अच्छी टीम बनाई है बूथ वॉरियर्स की, वो बूथ वॉरियर घर घर जाकर इस सारे लोगों की नोंदने का काम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। हमारे बूथ वॉरियर ही BLO हैं, BLA हैं, बूथ लेवल एजेंट, और बूथ लेवल एजेंट ही BLO के पास जाके वो सारे फॉर्म जमा करा रहे हैं। दर्शकों, ये थे गोंदिया विधानसभा मतदार संघ के भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और तड़पदार लोकप्रिय नेता श्री गोपाल दास अग्रवाल जी, जिन्होंने हमारे चैनल के साथ वार्तालाप किया, और आपने बताया कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो पब्लिक है, उनके हर सपनों को पूरा करने के लिए आप प्रतिबद्ध हो, और आपने हमारे चैनल के साथ बातचीत किया और अपना समय दिया, सर उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।